हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचा बीए का छात्र, बोला लाइफ बर्बाद कर रहा है यूनिवर्सिटी। चलिए फ्रेंड, मैं आपको लाइव वीडियो पहले दिखाता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि क्या कुछ मामला हुआ। चलिए पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। यूनिवर्सिटी आ रहा है, पढ़ता हूँ सर। अभी तक मेरा 2020 में एडमिशन है और पार्ट वन का एग्जाम नंबर अभी तक रिजल्ट नहीं आया सर। जब एक सेशन को पूरा करने में सर 2 साल का समय लगेगा, तो फिर जो 3 ईयर का बीए होता है वो 6 साल में हो जाएगा। इससे सर हम बच्चों का सर टाइम बर्बाद होता है सर। अर्थव्यवस्था व्यवस्था जिसका कमजोर है वो बच्चे आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं सर। तो फ्रेंड, आप यहां पर देख लिए होंगे वीडियो को और आप लोग समझ चुके होंगे आखिर ये बात किसको नहीं मालूम है। क्या नीतीश कुमार को ये बात मालूम नहीं है? उसके बाद भी डायरेक्ट इग्नोर किया जा रहा है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जिसका यही हाल है। लगातार सेशन पीछे जा रहा है, 3 साल का कोर्स 6 साल में कराया जा रहा है। जैसा कि आप वीडियो में सुना, वीडियो में बीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का छात्र बोल रहा है कि सर बताइए कि 2020 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, पार्ट वन का। अभी पार्ट वन करने में 2 साल लग गया, तो क्या 3 साल का कोर्स 6 साल लगेगा? तो मुख्यमंत्री ने उस पर कुछ भी जवाब नहीं दिया और डायरेक्ट इस मामले को शिक्षा विभाग के पास ट्रांसफ़र कर दिया। तो फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर करें और अपनी राय दें कि क्या मुख्यमंत्री इस बात को नहीं जानते हैं कि बिहार के सेशन लेट चल रहा है। फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाएं ताकि आने वाली सारी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।